नमस्कार, तो मैं वंशिता शर्मा स्वागत करती हूँ पेंट पॉइंटर्स पे आप सभी का एक नई वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे कि आखिर क्यों आइंस्टाइन के दिमाग के 200 टुकड़े कर दिए गए थे। जानिए एक रोचक सत्य। एल्बर्ट आइंस्टाइन जब पैदा हुए तो उनका सिर सामान्य बच्चों की तुलना में असामान्य रूप से कुछ ज्यादा ही बड़ा था। उस जमाने में साइंस ने इतनी डेवलपमेंट नहीं करी थी कि वो इस बड़े सिर का कारण जान सके। जैसे ही एल्बर्ट आइंस्टाइन बड़े होते जा रहे थे तो उनकी परिस्थितियां भी कुछ ऐसी होती जा रही थी कि उनको असामान्य और एबनॉर्मल बच्चों के नामों से भी जाना जाता था। शायद तब उनके माँ बाप को इसका कारण आइंस्टाइन का बड़ा सिर लगता था। लेकिन आइंस्टाइन के मरने के बाद यह पता लगा कि इंसानों की प्रजाति से उनका सिर एक अजूबा था। आइंस्टाइन शर्मीले बच्चों में से एक थे। काफी बड़ी उम्र तक तो वो बोलते भी नहीं थे। उनके माँ बाप इस वजह से बहुत परेशान रहते थे। 4 साल की उम्र में उन्होंने पहली बार बोलना सीखा था, लेकिन तब भी बहुत साफ नहीं बोलते थे। वो अक्सर चुप ही रहते थे या फिर आधा अधूरा बोलते थे। 9 साल की उम्र में उन्होंने बोलना शुरू किया। बात है खाने के समय की। डाइनिंग टेबल पे जब वो अपने माँ बाप के साथ डिनर करने के लिए बैठे तो उन्होंने अचानक से बोला कि सूप बहुत गर्म है। यह सुनकर उनके माँ बाप खुश बात भी हुए पर चौंक गए कि आइंस्टाइन ने साफ कैसे बोल लिया। उन्होंने उनसे पूछा कि अब तक तुम बोलते क्यों नहीं थे। तो इस पर आइंस्टाइन का जवाब था कि अब तक तो सब कुछ ठीक ही था। आइंस्टाइन खुद भी मजाकिया थे और उनकी आदतें भी कुछ हंसाने वाली थी। आइंस्टाइन मोजे नहीं पहनते थे। उनका मानना था कि जब एक से काम हो रहा है तो दो पहनने की क्या जरूरत है, और उनके मोजों में भी छेद होया जाया करता था। कई फॉर्मल डिनर पार्टीज में भी वे ऐसे ही चले जाते थे बिना मोजों के। एक बार ऑक्सफोर्ड के लेक्चर में भी वे ऐसे ही चले गए, लेकिन स्टूडेंट्स का ध्यान उनके मोजों से ज्यादा उनके सिर के बड़े बड़े बालों पर होता था। आइंस्टाइन को बाल कटवाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, और उनके बड़े बालों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनको बिल्कुल भी बाल कटवाना पसंद नहीं था। जानने वालों को यह सुनकर आश्चर्य होता है कि आइंस्टाइन इतने बड़े गणितज्ञ थे और उनको खराब याददाश्त का इंसान माना जाता था। उन्हें नाम फोन नंबर याद नहीं रहते थे। यह तो सभी जानते हैं कि एल्बर्ट आइंस्टाइन को स्कूल लाइफ में बेवकूफ बच्चों में गिना जाता था। खासकर एल्बर्ट आइंस्टाइन की टीचर उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, क्योंकि वो विज्ञान और गणित के अलावा हर विषय में फेल हो जाया करते थे। और तो और एल्बर्ट आइंस्टाइन को उनकी डांट का कोई असर भी नहीं पड़ता था। एक बार उनके गणित के प्रोफेसर ने उन्हें आलसी कुत्ता भी कह डाला। एल्बर्ट आइंस्टाइन के लिए माना जाता है कि वो बचपन में गणित में भी कमजोर थे। उनके गणित के प्रोफेसर ने उनको गणित पढ़ाने से मना कर दिया था। उसके बाद उनकी माँ ने उनको गणित घर पे पढ़ाना शुरू करा, और फिर उनके दिमाग में गणित के लिए ऐसी रुचि डाली कि वो गणितज्ञ के महान ही बन गए। एल्बर्ट आइंस्टाइन के मरने के बाद पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर थॉमस स्टॉल्स हार्वे ने उनके परिवार की अनुमति के बिना ही उनका दिमाग उनकी खोपड़ी से अलग निकाल दिया था। हॉस्पिटल के लाख मनाने के बावजूद भी उसे नहीं लौटाया और 20 साल तक वैसे ही रखा। 20 साल बाद उनके बेटे हैंस एल्बर्ट की अनुमति के बाद उन्होंने उस पर अध्ययन करना शुरू किया। जानकर हैरानी होगी कि थॉमस ने उनके दिमाग के 200 टुकड़े करके अलग अलग वैज्ञानिकों को भेज दिया था। उन्हें इसके लिए हॉस्पिटल से निकाला भी गया था, और इसी अध्ययन से पता चला कि साधारण लोगों की तुलना से उनके दिमाग में असाधारण सेल संरचना थी। इसी वजह से एल्बर्ट आइंस्टाइन का दिमाग कुछ ज्यादा ही असाधारण सोचता था, और एल्बर्ट आइंस्टाइन की आंखों को भी एक बॉक्स में रखा हुआ है। अब मेरा समय आ गया है आप लोगों से अलविदा लेने का। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें, और हम जल्द ही मिलेंगे। धन्यवाद।